कमल जय कमल मैं मक्का मैं मक्का मैं मक्का मैं मक्का छह खरगोश छह खरगोश छह खरगोश छह खरगोश ये है हरियाणा के एक गांव अखेड़ी मदनपुर का महिला प्रौढ़ शिक्षा केंद्र। इस गांव में ऐसे करीब 5 केंद्र हैं जहां हर दिन 10-12 औरतें पढ़ने आ ही जाती हैं। नेहरू युवा केंद्र द्वारा चलाए जा रहे इन केंद्रों को सफल माना गया है, लेकिन 5,000 की आबादी वाले गांव में 60-70 औरतों का केंद्रों में आना ये दर्शाता है कि औरतों में साक्षरता फैलाने का लक्ष्य आज भी कोसों दूर है। इसीलिए साक्षरता और उत्तर साक्षरता कार्यक्रमों के तहत ये कोशिश की जा रही है कि उनमें औरतों की भागीदारी अधिक से अधिक हो। मुहतरमा, अब मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आप इन खातीन को साक्षरता दीक्षा कार्ड का हकदार बनाएं। मैं 170 ख्वातीन को साक्षरता दीक्षा कार्ड का हकदार बनाती हूँ। हमारे दैनिक जीवन में साक्षरता का महत्व कम है। गांव में तो इंसान अपनी पूरी जिंदगी कलम को बिना छुए ही बिता सकता है। सरकारी कामकाज हो या लेन देन का मामला या बैंकों से कर्ज लेना हो, तभी गांव वालों के सामने लिखाई पढ़ाई का प्रश्न खड़ा होता है। घरेलू काम, खेती के काम, मजदूरी या अन्य ग्रामीण गतिविधियों में ऐसे अवसर कम ही आते हैं जब लोगों को पढ़ने लिखने की जरूरत महसूस हो। साक्षर लोग भी धीरे धीरे पढ़ना लिखना भूल जाते हैं। इसी समस्या का हल करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत एक नए केंद्र की नींव डाली है। यह है फतेहगढ़। यहाँ पर पिछले 6 महीनों से एक नया केंद्र खुला है, जन शिक्षण निलयम फतेहगढ़। जन शिक्षण निलयम एक ऐसा केंद्र है जो स्थायी रूप से शिक्षा का लेन देन जारी रखता है। आज के प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार 100 घंटे का उत्तर साक्षरता कार्यक्रम जरूरी माना गया है। अब इसी कार्यक्रम को जन शिक्षण निलयम के उत्तर साक्षरता कार्यक्रम में बदला गया है। जन शिक्षण निलयम केवल साक्षरता ही नहीं बल्कि गांव के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन से भी जुड़ा होना चाहिए। इस निलयम को एक पार्ट टाइम कार्यकर्ता चलाता है जो निलयम का प्रेरक कहलाता है। ये प्रेरक प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों का निरीक्षण भी करता है। ये निलयम ऐसी जगह पर हो जहां हर व्यक्ति बिना रोक टोक के आ जा सके, जैसे पंचायत घर या स्कूल की छतरी के नीचे। जन शिक्षण निलयम के कार्यक्रम से जुड़े अन्य काम भी प्रेरक ही संभालता है। जिन गांवों में प्रेरक प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों का निरीक्षण करता है वहां चलता फिरता पुस्तकालय भी चलाता है। घरेलू का
অসীম বইটা বুঝতে পেরেছো যেটা পড়েছো? না ওইটা এই জায়গাটা, এই জায়গাটা না একটু বুঝতে পারিনি, একটু বুঝে যাও। जहां रोज अखबार न मिले वहां वो समाचार ब्यूरो चलाता है। निलय में खेलकूद और गाने बजाने का भी इंतजाम है। निलयम को चलाने की प्रमुख जिम्मेदारी प्रेरक की तो है ही, पर वो इसे ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग से ही चलाता है। इस समिति में गांव के बुजुर्ग और समझदार लोग भाग लेते हैं। प्रेरक इस समिति का सचिव होता है। जन शिक्षण निलयम की योजना 1988 में प्रस्तुत की गई। अलग अलग इलाकों में लोगों ने अपने अपने ढंग से इसे अपनाया। जन शिक्षण निलयम का ये कार्यक्रम कैसे अपनाया जा रहा है ये जानने के लिए हमने दो स्वयंसेवी संस्थाओं के जन शिक्षण निलयम कार्यक्रम को देखा। ये बुराड़ा है, अजमेर जिले का एक गांव। यहाँ का कार्यक्रम एक स्वयंसेवी संगठन अजमेर एडल्ट एजुकेशन सोसाइटी चला रही है। यहाँ का जन शिक्षण निलयम बुराड़ा के मुख्य चौराहे के पास है। इस निलयम पर प्रतिदिन 4 राष्ट्रीय दैनिक अखबार पहुंचते हैं। सूरज उगने से पहले बुराड़ा के आसपास के गांव वाले दूध जमा करवाने आते हैं। वही लोग रोज सुबह निलयम पर आकर अखबार पढ़ते हैं। निलयम के प्रेरक जगदीश का कहना है कि उनसे अनुरोध किया गया है कि अन्य पत्रिकाएं जैसे रोजगार समाचार और फिल्मी कलियां भी मंगवाई जाएं। तो धन्ना को इसकी विशेष चिंता थी। ये हैं नाथू सिंह और विष्णु, बुराड़ा और पीपली के प्रेरक। दोनों ने कठपुतली के खेल का प्रशिक्षण लिया है। ये नाटकों के जरिए गांव की विभिन्न समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश में हैं। नेहरू युवा केंद्र ने हरियाणा के 4 जिलों में प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम अपनाया है। नेहरू युवा केंद्र प्राथमिक रूप से जवानों के लिए बनाया गया है। इनके जन शिक्षण निलयम में भी युवाओं की भागीदारी प्रमुख है। नेहरू युवा केंद्र द्वारा हलवास गांव में चलाया जा रहा जन शिक्षण निलयम गांव के युवकों की चौपाल बन गया है। इस केंद्र में खेलकूद, गाने बजाने और मनोरंजन की वे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो जन शिक्षण निलयम के कार्यक्रम के तहत दी जा सकती हैं। आज आप लोगों के बीच आकर मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई है। यहाँ के युवा ग्रामीण विकास केंद्र ने
जो कि नेहरू युवक केंद्र के तत्वाधान में कार्य कर रहे हैं, आज ये आयोजन किया है ताकि कुछ नई स्कीमें जो सरकार की हैं, भारत सरकार ने जो चलाई है अभी, उनके बारे में थोड़ा आपको बताया जा सके। ये निलयम गांव का सूचना केंद्र भी है। सरकारी तंत्र और ग्रामीणों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन जहां पुरुषों की रुचि के लिए तरह तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, वहां औरतें दिखाई ही नहीं देती। ये खड़ा नहीं होते, ये करके दिखाना है, ठीक है ना? जो पैर आगे वही हाथ आगे गर्दन पे, और दूसरा हाथ से ये हाथ कर दो। इसको चिट्ठी लिखवानी है आपने? मेरे माता पिताजी के पास। अच्छा, क्या कुछ लिखवाना है? लिखो जी, काफी दिन हो गए मैं जाना चाहती हूँ, मेरे भैया को जल्दी भेजना। सदियों से चले आ रहे रीति रिवाजों ने औरतों का स्थान घर और पर्दे के पीछे तक ही सीमित रखा है। साक्षरता और उत्तर साक्षरता के कार्यक्रम की सबसे बड़ी समस्या ये है कि औरतों को शिक्षित होने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। वो हर समस्या का हल आदमी पर छोड़ देती है। जहां औरत के आंगन के बाहर जाने पर पाबंदी है, उसका जन शिक्षण निलयम पर जाना असंभव ही समझा जा सकता है। आपकी बेटी नसीब को दिनांक 29/5/89 को गांव अकेड़ी मदनपुर में स्थापित प्रौढ़ शिक्षा समिति का एजेंडा नंबर 1 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के माध्यम से गांव अकेड़ी मदनपुर में चल रहे जन शिक्षण निलियम की कार्यशीलता का विस्तार करने के लिए मीटिंग होगी। सरपंच साहब ऐसा है कि प्रेरक ने अपनी समस्याएं कुछ रखी इसमें कि वो गाँव वालों को किताब दे और उसमें उसे कुछ हमारी समिति। इस बैठक के सामने दो समस्याएं हैं। पहली ये कि निलयम की किताबें गांव में उधार पर दी जाएं या नहीं, और दूसरी औरतों को जन शिक्षण निलयम पर कैसे लाया जाए। क्यों किताब गुम होने पर वह किताब कहाँ से आएंगी? अगर सिक्योरिटी जमा होती है तो वापिस दे जाए, अगर किताब सिक्योरिटी दे जाए, इसलिए यह निर्णय ठीक प्रकार का। और इस बीच में नतीजा ये निकला कि किताबें निलयम से घर ले जाई जा सकेंगी और हफ्ते में एक दिन औरतों के लिए रखा जाएगा। मुझे कोई इतराज नहीं है। तो ये जो हमारी समिति ने निर्णय लिया, इसके अलावा जो एक ये निर्णय भी है, ठीक है, एक दिन नौ शास्त्रों के लिए जो प्रौढ़ शिक्षा में पढ़ रही है, उन नौ शास्त्रों के लिए एक दिन हफ्ते में निश्चित कर दिया जाए ताकि वो भी इस केंद्र में जन शिक्षण निलियम में आए और इसकी सेवा प्राप्त करें। जन शिक्षण निलियम के माध्यम से उत्तर साक्षरता का जो काम कर रहे हैं हम लोग है, तो उसमें हमें क्या क्या कठिनाई आती है, क्या क्या हमारे सामने समस्याएं आती हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्या क्या समस्याएं आती हैं अशोक, तुम बताओ देखें तुम्हारे यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं? निलियम की एक समस्या आ रही है कि निलियम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा महिला मतलब जुड़ने से की और महिला कम आओ निलियम के ऊपर। अच्छा, तो उसके लिए तुमने कुछ प्रयास किए? प्रयास भी करे, एक दफ़ा कही मैं सब लोग मीटिंग करी, उनमें एक निश्चित करी होगी मतलब आप निलियम के ऊपर मेहंदी प्रतियोगिता को मेहंदी मारना आता हम मेहंदी मारना को या सिलाई को मतलब कोई सिलाई सिखा सके तो सिलाई को, तो निलियम के अंदर तीन दिन में जान सो मंगल बुद्ध ने केंद्र अवलोकन करे और विश्व शुक्र शनि ने निलियम देखा, तो विश्व शुक्र शनि के अंदर शनिवार के दिन सुनिश्चित करियो जी के अंदर शनिवार ने प्रतियोगिता के अनुदेशकों के साथ में जाकर के गाँव में महिलाओं से संपर्क किया और उस अनुदेशकों इन महिलाओं से लेकर जन शिक्षण निलियम पर आया करती है, एक दिन गाँव एक सप्ताह में एक दिन निश्चित कर रखा है और वहाँ आती है और वहाँ करके वहाँ पर मेहंदी के गीत गाती है और मेहंदी प्रतियोगिता कर रखती है और पुस्तकें भी पढ़ती है। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में औरतों को आकर्षित करने के लिए सिलाई और खाना बनाने की कक्षाएं चलाई जाती हैं। सबसे पहले टमाटर को धोना है, धोने के बाद इनको काटना है। काटने के लिए अलग प्लेट में हम काट लेंगे, पहले एक दो चम्मच छोटे काली मिर्च के डाल के जीरा डालना है, उतना ही जीरा जितनी काली मिर्च डाली है, इसका मतलब दो चम्मच छोटे जीरा पीसा हुआ। सिलाई की क्लास हो या मेहंदी प्रतियोगिता, मुरब्बा बनाना हो या टोमेटो सॉस,
औरतों के लिए चलने वाले कार्यक्रम इन दायरों के बाहर जाते ही नहीं। घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर वे जो कुछ सीखती हैं उसका उपयोग घर के भीतर ही कर पाती हैं। इस कारण से ये कार्यक्रम उनको प्रगति के पहले कदम पर ही रोक देता है। मेरे फतेहगढ़ के ग्रामवासियों, आज हमने डॉक्टर साहब को इस जनशिक्षण निर्णयम पर इसलिए बुलाया है कि हमारे ग्राम में बीमारियां फैल रही है, जैसे दस्त है, हैजा है और बुखार है, तो इनके बारे में अपन को कुछ नई नई बातें बताएंगे और अपने सभी गाँव वालों को ये जो बताएंगे उनको अपन घर घर जाके उनको बताना है। जैसा कि श्रीनाथ जी ने बताया, यहाँ पे पानी बहुत कम रह गया है। पुरुषों के लिए मनोरंजन, खेती के नए तरीके, नई जानकारियां देना जरूरी समझा जाता है और हमारे कार्यक्रम भी यही दर्शाते हैं। बीमारी पैदा करने वाले कीड़े होते हैं वो छन नहीं पाते। लेकिन औरतों के लिए वही अचार मुरब्बा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी। मानसिक विकास के नाम पर औरत की जड़ घर के आंगन में ही गढ़ी रह जाती है, इसलिए जन शिक्षण निलय में धार्मिक पुस्तकें और नारी के कर्तव्य के बारे में तो किताबें मिल जाती हैं, लेकिन औरतों के हक के बारे में उन्हें कुछ पढ़ने को नहीं मिलता। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत औरतों के शिक्षण पर विशेष जोर दिया गया है, लेकिन हरियाणा और राजस्थान में कुछ ही औरतें प्रेरक बन पाई हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, प्रतिकूल सामाजिक व्यवस्था, औरतों में स्वावलंबन और मनोबल की कमी, और इस योजना में औरतों के लिए विशेष कार्यक्रमों का न होना। जहां अन्य सरकारी कार्यक्रम एक निश्चित ढांचे के अंतर्गत लागू किए जाते हैं, वहां राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का ये कार्यक्रम निराला है। जन शिक्षण निलयम की खूबी यह है कि इसमें लचीलापन है। इस कार्यक्रम को स्थानीय परिस्थिति के अनुकूल ढालकर एक नया रूप दिया जा सकता है। गांव का प्रेरक और ग्रामीण शिक्षा समिति अपने माहौल के अनुरूप जन शिक्षण निलयम को आकार दे सकते हैं। भविष्य में जन शिक्षण निलयम की कामयाबी कई परीक्षणों से गुजरने के बाद ही एक निश्चित रूप लेगी। जरूरत है नए विचार, नए तरीके और नए प्रयोगों की।